वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं को बड़े कैश इनामों की घोषणा के बाद अब रेलवे में नौकरियां करने वाले खिलाड़ियों की इनाम राशि को प्रदेश सरकार ने घटा देने का ऐलान किया है और सरकार के इस फैसले के बाद रेलवे में काम करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी इससे नाराज हैं। यहां तक कि नाराज खिलाड़ियों ने सम्मान समारोह का बायकॉट करने का ऐलान किया है। वहीं खिलाड़ियों की इस प्रतिक्रिया पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमारी खेल नीति में ये स्पष्ट है कि हम सिर्फ उन्हीं को इनाम दे सकते हैं जो हरियाणा की तरफ से खेले हों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उन खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं जो हरियाणा की धरती से हैं। विज ने खिलाड़ियों के बायकॉट पर कहा कि ये उनकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी खेल नीति है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम इनाम उन्हीं खिलाड़ियों को दे सकते हैं जो हरियाणा की तरफ से खेले हैं। जो हरियाणा की तरफ से नहीं खेले हैं उनका कोई क्लेम नहीं है।